भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से वनडे सीरीज का आगाज होगा। इसको लेकर भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है और इसको लेकर बीसीसीआई ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की हैं और अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बहरहाल बात करें अगर भारतीय क्रिकेट टीम की तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के हरारे एयरपोर्ट पर पहुंचने का एक वीडियो भी शेयर किया। साथ ही बीसीसीआई ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें भारतीय खिलाड़ी हवाई जहाज में नजर आ रहे हैं। वहीं अब बात करें अगर भारतीय टीम की तो टीम ने शनिवार सुबह जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरी और टीम इंडिया वहां अब 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। टीम का स्वागत जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पर भी किया गया। इसके अलावा बात करें अगर टीम की तो भारतीय टीम में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी शामिल है। इसके अलावा बात करें अगर टीम इंडिया की तो पहले टीम इंडिया की कप्तानी शिखर धवन के हाथों दी गई थी लेकिन अब केएल राहुल फिट हो चुके हैं और बीसीसीआई ने इस बात की घोषणा कर दी है कि केएल राहुल जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। इसके अलावा धवन की बात करें तो वह अब टीम इंडिया के उपकप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। इससे पहले धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे सीरीज खेली थी और जीत हासिल की थी लेकिन अब केएल राहुल पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं तो बीसीसीआई ने जानकारी दी कि केएल राहुल ही टीम इंडिया को लीड करेंगे। बता दें कि केएल राहुल टीम इंडिया के नियमित उपकप्तान हैं। वहीं बात करें अगर केएल राहुल की तो उनके पास भी मौका होगा कि एशिया कप से पहले अपनी लय को हासिल करें क्योंकि एक लंबे समय के बाद केएल राहुल वापसी कर रहे हैं। केएल राहुल की बात करें तो वह कोरोना संक्रमित थे, इससे पहले उन्हें चोट लगी थी और अब वह लंबे समय के बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बात करें अगर कोच की तो टीम इंडिया के लिए कोच राहुल द्रविड़ को आराम है और वह एशिया कप में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे और जिम्बाब्वे दौरे के लिए एनसीए के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे पर कोच की जिम्मेदारी दी गई है और वह टीम के लिए अंतरिम कोच के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इस हफ्ते टीम इंडिया यूए के लिए भी रवाना होगी जहां टीम इंडिया को एशिया कप खेलना है और ऐसे में राहुल द्रविड़ को आराम दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगर जिम्बाब्वे दौरे की तो टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे दौरा 18 अगस्त से शुरू होगा। एशिया कप की बात करें तो 27 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। वहीं जिम्बाब्वे दौरे में शामिल केएल राहुल, दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ियों को एशिया कप में भी जगह मिली है तो ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस पर भी नजरें होंगी। वहीं बात करें अगर टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों की तो तमाम खिलाड़ियों पर नजरें होंगी जो यूएई के लिए एशिया कप के लिए रवाना होंगे। भारतीय टीम और जिम्बाब्वे टीम के बीच होने वाले वनडे सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला 18 अगस्त को खेला जाएगा, इसके बाद अगला मुकाबला 20 अगस्त को होगा और तीसरा और सीरीज का अंतिम मुकाबला 22 अगस्त को खेला जाएगा। बता दें कि रविवार से टीम इंडिया विवेश लक्ष्मण के मार्गदर्शन में यानी कि कोच विवेश लक्ष्मण के नेतृत्व में अभ्यास शुरू करेगी और जिम्बाब्वे पे एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए उतरेगी। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं साथ ही साथ टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है उसको लेकर बड़ी अपडेट बीसीसीआई ने दी है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।